ना साडे माँ है ना साडे बाप आ ना असीं वकील कर सकदे आ साडे कोल तां अपने बच्चे मसां पाले जा रहे आ असीं किहदे पर जाके उह करांगे। सुखचैन सिंह दा कोई क्रिमिनल पिछोकड़ नहीं गा, कदी उहदे ते 751 भी नहीं होई। शमूलियत हो रही, आप ही बना रहे ने माहौल। आम तौर ते जिहड़ी पुलिस है वो कार्रवाई तो बाद आती है, इत्थे जिहड़ी पुलिस बंदे फड़ रही है कार्रवाई तो पहले ही फड़ रही है। सब झूठी स्टोरी हैगी है, सब झूठा बकवास हैगा। पंजाब दे विच UAPA एक्ट के तहत सिख नौजवानों दीआं गिरफ्तारियां कीतीआं जा रहीआं ने। इन्हां गिरफ्तारियां दे खिलाफ कोई भी सियासी धिर एक तकड़े तरीके दे नाल आवाज़ बुलंद नहीं कर रही, विरले टावे लीडर ने जिहड़े ओ ही बोल रहे ने। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी इस ते प्रतिक्रम दित्ता जदों पत्रकार ने सवाल पुछया, पर भुलथ तो विधायक ने सुखपाल सिंह खहरा वो खुद जाके इन्हां मसलियां दे उत्ते सरकार नूं जगाउण दी कोशिश कर रहे ने। सुखपाल खहरा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे ने। सुखपाल खहरा पहुंचे ने पटियाला दे राजपुरा नेड़ले पिंड सेरा दे विच, जिथे 25-26 साल दे एक नौजवान दलित सिख नौजवान सुखचैन सिंह नूं पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया अते फिर UAPA एक्ट ला के उसनूं जेल दे विच सुट दिता गया। सुखपाल खहरा पिंड सेरा पहुंचे नाल उन्होंने साबका MP डॉक्टर धर्मवीर गांधी अते दो होर विधायक भी सन। पिंड सारा कट्ठा होया जिथे सुखपाल खहरा पहुंचे सुखचैन सिंह दे घर दे नेड़े उन्होंने इकट्ठ किया, पिंड वाले कट्ठे हुए, नाल सरपंच भी सुखपाल खहरा दे मौजूद सिगे। पिंड दे सरपंच कांग्रेस पार्टी दे नाल संबंधित सरपंच है। गल ये निकल के सामने आई है कि जिहड़ा सुखचैन सिंह नूं गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने सुखचैन सिंह दे घरों उस नौजवान नूं गिरफ्तार किया है, जिहड़े पिंड वालियां ने अखीं देखिया उन्होंने गवाही दित्ती इस ग्राउंड रिपोर्ट दे विच जिहड़ी असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हां सुखपाल खहरा दे वल्लों कीती हुई। गिरफ्तार किया ते उस तों बाद दो दिन हिरासत दे विच रखिया, 26 जून नूं गिरफ्तार किया पिंड च उसदे घरों चक्किया ते 28 जून नूं गिरफ्तारी दिखाई गई है। 28 जून नूं गिरफ्तारी दिखाई है पुलिस नाके तों, दो दिन बाद गिरफ्तारी दिखाई है कि पुलिस नाके तों असीं गिरफ्तार किया, इहदे तों पिस्तौल बरामद किया अते कारतूस भी बरामद होए, UAPA एक्ट ला दिता, जेल दे विच सुट दिता गया। नाल चार होर मुंडे गिरफ्तार किए दिखाए गए ने, एक कैथल तो लवप्रीत सिंह जिसकी फोटो बड़ी वायरल हो रही है, अमृतपाल सिंह मानसा तो, गैवी नवांशहर तो, जस बटाला तो, यानी कि पंजा जणियां नूं पुलिस ने नाके उत्ते गिरफ्तार किया जिहड़े पंजाब दीआं वख-वख थावां तों संबंधित ने। हुण पिंड वालियां ने इस रिपोर्ट दे विच इह कहा है कि पुलिस झूठा मुकदमा दर्ज कर रही है, पुलिस झूठ बोल रही है, झूठी मनघड़त कहानी बना के उन्हां दे मुंडे नूं गिरफ्तार किया गया, दिहाड़ी करन वाला नौजवान है, घर दे हालात ने वह भी सुखपाल खहरा ने दिखाए ने, तुसीं इस रिपोर्ट दे विच देख सकते हो। तो निकल के यही गल सामने आती है कि पंजाब पुलिस किस तरीके का माहौल पंजाब दे विच पैदा कर रही है। एक दौर वह भी सी जिहड़ा पंजाब का सब तो दर्दनाक दौर कहा जाता है, जदों पंजाब दे विच सिख नौजवानों नूं उन्हां दी दस्तार देख के ही फड़ लिया जाता सी, बिना मतलब तो झूठे केस पा के, उदों तक कतलेआम भी बहुत होया सी। सुखपाल खहरा खदशा जताते हैं कि शायद उस ली ते चल रही है पंजाब पुलिस, अते पंजाब सरकार पंजाब पुलिस नूं एप्रीशिएट कर रही है, एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है। पूरी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए है कि यह धक्केशाही नहीं तो होर की है। अज जिहड़ा सेरा पिंड विच आए हां, इहदी दास्तान तो एक बहुत सुनने वाली दास्तान है। इस वक्त असीं पिंड दे सरपंच साहब दे घर बैठे हाँ, एक इस पिंड दा नौजवान 26 जून नूं एक दलित नौजवान 26 साल दा एक नौजवान चक्किया, उहदा नाम हैगा वा सुखचैन सिंह, 26 साल उहदी उम्र है, पढ़ाई उहदी निल, 5 या 6 जमातां पास आ, 10 पास नहीं कर सकिया, दिहाड़ीदार आदमी ने, दिहाड़ीदार डेली वेजर, कदी कंबाइना ते चढ़ के अपना पेट पालते ने, कभी पिंड आ जे सरीये दे जाल बन के नेड़े तेड़े पिंड जे लेंटर पाते हैं, उदे नाल अपनी मेहनत मुशक्कत करके अपना परिवार पालते हैं। और हुणे मैनूं दस्या पिंड दे पंच ने, उन्होंने कहा सी इन्हां नूं थोड़े दिन पहला मनरेगा दे विच इहदा जॉब कार्ड बना के पिंड विच लेबर करदा सीगा, पिंड दे सारे पतवंते सज्जन बैठे ने इसे पिंड दे, और इस नौजवान नूं
समाणा सदर थाने की पुलिस पिंडों 26 तारीख को चुक के लेके गई है और यदि गिरफ्तारी जी लैके गए घरों और इन्हों कह गए कि कोई गल नहीं छोटा मोटा ये खिलाफ इल्जाम हैगा तुसी पिछे आ जाओ तो असी तस्दीक करके मुंडे नूं छड़ देंगे। दो दिन उन्होंने रखन तो बाद गैर कानूनी हिरासत तो बाद उस सुखचैन सिंह की जी गिरफ्तारी आ वह एक पुलिस नाके तो शो कर दिती गई है और उहदे कोलों दिखाता कि एक 32 बोर का पिस्तौल 7 कारतूस ने और जिन्हां लोगों के नाल गिरफ्तार किया गया तुहानूं मैं सारी गल अच्छी तरह समझाऊंगा पहला सुन लो। ये पंज व्यक्तियों का ग्रुप बनाया कि जी ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स लिए काम करते सी। एक मुंडा हैगा लवप्रीत सिंह, इहदा पिंड हैगा गुला कैथल हरियाणे दे विच। प्रोबेबली मेरा ख्याल अगर मैं गलत ना होवां लवप्रीत सिंह शाहीन बाग दे विच सेवा करता सीगा जिहड़ा उत्थे काफ़ी देर घट गिणतियां दे खिलाफ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मोर्चा लगा सी। मैनूं काफ़ी हद तक यकीन है कि यह लवप्रीत उत्थों दा सीगा, यह रहण वाला कैथल दा सी। दूसरा है सुखचैन सिंह जिहड़ा सेरे पिंड दा सीगा और बहुत गरीब परिवार नाल तुलक है। तीसरा है अमृतपाल सिंह, यह हैगा पिंड हैगा अचानक मानसा जिले च। ते चौथा हैगा गैवी मुंडा हैगा नवां शहर दा, ते पंजवां हैगा जस, यह बटाले गुरदासपुर दा। हुण सुनण वाली गल है कि आ इहदा परिवार है जी, इधर कैमरा घुमायो जरा। ये उहदा एक भरा है जी सुखचैन सिंह दा जिहनूं गिरफ्तार किया गया, दो भाई उहदे आ खड़े ने जी, आ अगे आ जाओ थोड़ा जिहा तुसीं, दो भरा मेरे वीर आ देख सकदे तुसीं। ये तीन भरा ने, पहलां तां इहनां दे चेहरे देखो, पहलां इहनां दे इधर मेरे वाल ना, पहलां इहनां दे तुसीं चेहरे देखो, इहनां दा इहनां दे वित्ती ते घरेलू हालात देखो कि तुहानूं लगदा वा कि इस तरह के बहुत अत गरीब लोग देश नूं तोड़न दी समर्था रखते ने। और इत्थे कहना वर्णन करना जरूरी आ कि सुखचैन सिंह दा कोई क्रिमिनल पिछोकड़ नहीं गा, कदी उहदे ते 57 भी नहीं होई। सडनली वह कैथल दे मुंडे नाल कॉन्टैक्ट च, एक मानसा दे मुंडे नाल कॉन्टैक्ट च, एक नवां शहर दे मुंडे नाल कॉन्टैक्ट च, एक गुरदासपुर दे मुंडे नाल कॉन्टैक्ट है। तो पंज बंदिया नूं मैनूं लगदा कि पंजां नूं अलग अलग चक्या होगा पुलिस ने अपने अपने थावां तों, जिद्दां सुखचैन नूं सहरा पिंड तों 26 जून नूं चक्या, तो 28 तरीक नूं इन्हां दी गिरफ्तारी दिखाती एक नाके ते, ते नाल पिस्तौल पाता ते नाल 7 कारतूस पाते ते करता। मेरा यह मनना वा कि यह सरासर कॉनकॉक्टेड स्टोरी है, झूठी स्टोरी है, ये एक पैटर्न बन रहा वा पंजाब पुलिस वल्लों। हो सकदा इहदे पिछे वड्डियां देश दीआं एजेंसीज इनवॉल्व ने, वो हर थोड़े समय बाद कोई ना कोई अपनी इस तरह की कहानी बना के पेश करते हैं जिहदे नाल ऐ नज़र आउंदा पंजाब दे लोकां नूं कि पंजाब दा माहौल तो बहुत खराब हो गया बई, खालिस्तान तो बनन दे कंढे पिया वा, तो 2020 रेफरेंडम दे विच बहुत लोगों की शमूलीयत हो रही, आप ही बना रहे ने माहौल। हाकम सिंह जी सरपंच ने, सरपंच साहब ये मुंडे नूं कदों गिरफ्तार किया गया? इन्हां नूं 8:30 बजे 26 तरीक नूं, 26 जुलाई नूं, जुलाई नूं, हाँ जी, पिंडों लैके गए, पिंडों साडी मेरे पंच सीगा मलकीत सिंह, परमजीत सिंह, जून सॉरी हाँ जी, तो जस्सी मुंडा सीगा इक, पिस्तौल पै गया, नाके ते फड़ लिया, नाके ते फड़ लिया जी, पर लेके साडे पिंडों गए ने जी। इह सरपंच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ पिंड दे, और माफ करना इह रूलिंग पार्टी नाल कनेक्टेड, साडे नाल कोई पार्टी पक्ष दे उत्ते नहीं आए इह बिल्कुल भी, इस वक्त रूलिंग पार्टी के नाल कनैक्टड ने। पर यदि मैं दलेरी नूं दात दिना हाकम सिंह सरपंच दी नूं, इहदी बहादुरी नूं कि अपने पिंड दे बेगुनाह लोकां दे वास्ते इहने कहा कि अगर लोड़ पई तां मैं जेन्युइन बयान दूं। याद रखना इत्थों दी अदालत विच तां तुसीं बच जाओगे दिनकर जी, एक उत्ते वाहिगुरू दी अदालत आ, उस परमात्मा ईश्वर दी, उत्थों नहीं बच सकोगे कदी। बुद्ध राम जी तुसीं दस्सो जरा की तुहाडे नाल वापरिया, दस्सो सही, डरो ना। साडे नाल जी उधर साडे नाल उत्थे सी आई स्टाफ वाले बंदे आए सीगे पटियाले तो, तीन आए सानू कहिंदे वी सुखचैन सिंह नूं पुछिया आके वी कित्थे हो, कहिंदा सुखचैन सिंह, कहिंदा मैं हाँ जी सुखचैन सिंह हाँ, बैठे हो आके कहिंदे वी इहदा फोन गिरिया वा, कोई वी इहदा फोन गिरिया वा, कोई वी उहदा नंबर दा गलत इस्तेमाल हो रहा, इहनूं 2 घंटे वास्ते असीं लेके जा रहे हां, 12 बजे छड्ड दांगे असीं, इह कहि के सानू घरां तों लेके गए। 12 बजे सरपंच साहब तों असीं फोन कराया, फिर कहिंदे 3 बजे करो, फिर कहिंदे 5 बजे करो फोन,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੋਈ ਰਿਵੋਲਵਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਤੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਕੰਪਾਇਨ ਕਮੂਨ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ 5-6 ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਤਾ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਸਾਂ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਬਾਰਾ ਤਾ ਜੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 26 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2020 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਜਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਝੂਠੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਝੂਠਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ FIR ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਇਓ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਖਾਲਸ TV ਧਰਮ।